यहाँ पे हम लैब करने जा रहे हैं रिपो ऑथेंटिकेशन विद डायनेमिक कीज़, यानी जो कीज़ हम लगाते हैं वो कीज़ चेंज होती रहे। तो R2 और R3 रूटर्स हैं हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग जो हमने ले रखे हैं यहाँ पे। अब इन पे जो कीज़ हम लगाने जा रहे हैं वो मल्टीपल कीज़ लगाने जा रहे हैं। यहाँ पे R2 के ऊपर कॉन्फ़िग पे जाने के बाद इसको आप चाहे लैब नंबर 19 कंसीडर कर लें। लैब नंबर 19 में यहाँ पे MD5 हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे की चेन, हम उसी फोल्डर के अंदर मल्टीपल बना देंगे। हमारे पास ये था, वहाँ पर की वन था और की स्ट्रिंग था आपके पास ROUT राउट, बट ये जो पासवर्ड डाला था हमने की स्ट्रिंग, ये परमानेंटली था। हम चाहते हैं ये इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड इस महीने में इस साल में रहे। तो यहाँ पे लेट्स से हमने लिखा एक्सेप्ट लाइफ टाइम कमांड, तो ये की कब शुरू हो लेट्स से 10:00 और 0 सेकंड पे शुरू हो, फिर हम टाइम भी सेट करेंगे क्लॉक का दिखाने के लिए। फिर कौन सा दिन चूज करना चाहते हैं लेट्स से पहला दिन, महीना कौन सा चूज करना चाहते हैं जनवरी, कौन सा साल लेट्स से 2012, ये की जो आपने डाली है कब एंड हो लेट्स से 10:01 पर ये एंड हो जाए, और 1 जनवरी में और 2012 के अंदर। तो हमने जो की डाली राउट जो डाला हमने कहा 10:00 0:00 पे शुरू हो, 10:01 और 0 सेकंड पे खत्म हो जाए, यहां से भेजी। तो यही जब इसने भेजी यही टाइम दूसरे राउटर पे होना चाहिए, दूसरा राउटर भी इसी टाइम पर भेजे और इसने इसी टाइम पर रिसीव करना चाहिए। तो ये डाला हमने एक्सेप्ट लाइफ टाइम, यानी कोई दूसरा भेज रहा है तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। यही कमांड दोबारा रिपीट होगा किसके लिए, सेंड लाइफ टाइम के लिए। ये एक्सेप्ट था, यहां पे सेंड लाइफ टाइम SEND सेंड लाइफ टाइम, ये हमने डाला कहां पर R2 के ऊपर, अभी एक की डाली। अब हम क्या करेंगे, एग्जिट किया यहां से, फिर लिखा हमने की टू दूसरा की, दूसरा की कब सेंड किया जाए 10:01 के ऊपर, बट इसका पासवर्ड क्या हो पासवर्ड भी सेट कर देते हैं अभी, 10:01 से शुरू हो, 10:02 तक ये रहे। इसका एक्सेप्ट लाइफ टाइम, CEPT एक्सेप्ट लाइफ टाइम, लेकिन पासवर्ड क्या हो की स्ट्रिंग पहले वाले में क्या था रूट, तो 1 मिनट तक रूट रहेगा, और जब 10:01 हो जाएगा तो शुरू क्या हो जाएगा 10:02 तक SWITCH स्विच शुरू हो जाएगा। दो पासवर्ड डाल दिया हमने, टेस्ट कराने के लिए दो काफी, तीसरे वाला हमने डाला ही नहीं तो क्या हो जाएगा कनेक्टिविटी लॉस हो जाएगी, क्योंकि पासवर्ड डालते नहीं, या फिर हम रखें कि भाई तीसरे वाले को इन्फिनिट रखते हैं, यानी स्टार्टिंग में 3-4 की डायनेमिक डाल दें। जी जो सेटिंग हमने की है एग्जैक्टली सेम सेटिंग कहाँ की जाएगी R3 के ऊपर, यानी कॉन्फ्लिक्ट पे गए की चेन टी स्पेस चेन नो सॉरी की चेन आता है की चेन CCNP था, की स्ट्रिंग की वन था और की स्ट्रिंग क्या था ROUT राउट पहला वाला, इसका हमने टाइम सेट किया सेंड लाइफ टाइम सेम 10, कोई भी डाल सकते हैं क्योंकि मोड के अंदर 10:00 शुरू हुआ 0:00 0 सेकंड के ऊपर, 1 जनवरी 2012 कब एंड हो 10 जनवरी
एक मिनट, 0 सेकंड, 1 जन 2012, ये हुआ सेंड लाइफ टाइम। इसी को हम कर दें एक्सेप्ट लाइफ टाइम, ACCEPT एक्सेप्ट लाइफ टाइम। अब की टू लेकर आना है, तो की टू के अंदर की स्ट्रिंग क्या रखें, SWITCH। इसका ये की कब एक्टिवेट हो, दस बजकर एक मिनट से 10 बजकर 2 मिनट तक, सेंड लाइफ टाइम और इसी में एक्सेप्ट लाइफ टाइम। आप सेंड लाइफ टाइम कर रहे हो दूसरे के एक्सेप्ट के लिए, और एक्सेप्ट कर रहे हो दूसरा जो सेंड कर रहा है, क्या गलत हो गया? स्पेलिंग गलत हो गया। ACCEPT एक्सेप्ट लाइफ टाइम क्या हो गया? दस दस हो गया। सेंड वाला था, दोनों ही गलत हो गए ना। दस हो गया उसकी जगह पर, शोरन देख लेते हैं कहाँ कौन सा गलत होगा। पहले वाले में हमने लिखा 10 बजे से लेके 1 बजे तक और 10 से लेके, ये पहला वाला ठीक है, दूसरे के अंदर गलती हो रही है, दूसरा वाला एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है। अच्छा दूसरे वाले में चेंज करते हैं, ठीक है। हमारा जो फोल्डर है वो है की चेन CCNP, और इसके अंदर की टू के अंदर हमें सेट करना है की स्ट्रिंग SWITCH। यहां लिख ही लेते हैं एक्सेप्ट लाइफ टाइम 10 1 0 1। अच्छा वो 10 हो गया, 001 जन, उसके बाद 2012, उसके बाद 10 02 00 1 जन 2012। अब वो यहां पर करना है इसका एक्सेप्ट, ये सेंड किया था ना, नहीं ये ओ किया था मैंने, और ये आपके पास इतना हो गया, और 10 01 00 02 सेकंड मिनट के लिए, और आगे 1 जन 2012। तो ये कीज पड़ी हमारी शोरन के अंदर जो हमने डाले, जो सिंटेक्स लंबा, इसने थोड़ा टाइम लग गया। अच्छा यहाँ वो भी चल रहा है, शो की चेन कमांड है देखने के लिए, शो की चेन की कमांड। तो जो राउट है, राउट शुरू होगा 10 बजे से लेके 10 बज के 1 मिनट तक, सेंड लाइफ टाइम आपके पास ये मैच कर लें। जो स्विच शुरू होगा वो 10 बज के 1 मिनट से लेके 10 बज के 2 मिनट तक शुरू होगा। ऐसी ये चीज हम पार्ट टू में वेरीफाई कर लें, शो की चेंज।
ये भी 10 बजे से है, 10-1 तक, 10 से 10-1 तक, और ये 10-1 से लेके 10-2 तक, 10-1 से लेके 10-2 तक। अब चूंकि घड़ी का टाइम तो अलग अलग हो रहा होगा ना, तुम क्या करें, क्लॉक सेट, घड़ी सेट करेंगी 10 बजे के अकॉर्डिंग, यानी 10 बजाना है हमारे को उसके अंदर, तब जाके हम अपना वैल्यू सेट चेक कर पाएंगे, अदरवाइज वैल्यू चेक नहीं हो पाएगी हमारी। 1 जैन 2012, इसको एंटर नहीं करते, कॉपी करते हैं, कॉपी किया, 3 पे गए, यहाँ पे भी पेस किया, यहाँ पे भी एंटर मार दिया, यहाँ पे भी एंटर मार दिया, और यहाँ पे कमांड चलाया डीबग IP RIP। 1 मिनट तक तो हमें नजर आना चाहिए, वो दूसरे मिनट तक वो नजर आना चाहिए डीबग IP RIP। इसको बड़ा कर लेते हैं, राउट आ रहा है, यहाँ पे भी राउट आ रहा है, आएगा तो 1 मिनट तक तो राउट चलेगा, और अभी शो आईपी राउट में रूट भी आ रहे होंगे, शो आईपी राउट के अंदर राउट आ रहा है यहाँ पे भी, और रूट भी मौजूद है आपके पास, पिंग भी हो रहा होगा अभी यहाँ से, राउट आ रहा है। 1 मिनट तक कंटिन्यूसली राउट के बाद फिर क्या शुरू होगा, स्विच शुरू हो जाएगा, तो जो अपने टाइम सेट किया उसके अकॉर्डिंग चलता रहेगा। अब इसको फिर हम MD5 भी कर दें, डायनेमिक भी कर दें, MD5 भी कर दें, तो मल्टी हो गया स्विच शुरू यहाँ पे, मतलब ये तकरीबन 7587 पे शुरू हुआ है, अब स्विच चलता रहेगा, इधर भी स्विच आ रहा होगा और इधर भी स्विच आएगा, अगर मिसमैच हो जाते तो क्या होता, इनवैलिड हो जाता। तो इस तरह से डायनेमिक कीज हम ले सकते हैं, अब ये भी 1 मिनट के बाद अभी इनवैलिड हो जाएगा, तो ध्यान ही रखना है डायनेमिक कीज के अंदर कि अगर हम टाइम दे रहे हैं बीच में, तो टाइम या तो आप जो पुराना फर्स्ट टाइम और एक्सपायर होना है उसके एक्सपायर होने से पहले 2-4 सेकेंड पहले से ले लें, अगर एक्सपायर होने के 5 सेकेंड के बाद लिया है तो 5 सेकेंड तक कनेक्टिविटी डिसकंटिन्यू हो जाएगी, तो टाइमर ओवरलैपिंग तो हो जाए अंदर चलेगा, बट गैप ना हो जाए टाइमर के अंदर है। अभी आप देखेंगे ये इनवैलिड हो जाएगा 1 मिनट के बाद। ऑथराइजेशन, बीच में किसी ने स्निफ कर लिया है, अब एक की को स्निफ करेगा, अगला पैकेट पे कुछ और आ रहा है, अगले पे कुछ और आ रहा है, अगले पे कुछ और आ रहा है, मोर सिक्योरिटी होगी, आपने एक ताले की जगह मल्टीपल ताले लगा दी, सारे तोड़ने पड़ेंगे। आ गया इनवैलिड, तो ये सेम ऑथेंटिकेशन जब आप EIGRP करेंगे बिल्कुल सेम अप्लाई होगा, बट वो EIGRP में अप्लाई होगा, मतलब इसमें हमने बेसिकली करा क्या है कि 1 सेकंड 1 मिनट के लिए हमने लगाया राउट पासवर्ड टेक्स्ट, हाँ हाँ जी, दूसरे में लगाया स्विच लगा दी, अब इसको भी हम MD5 में कन्वर्ट कर दें तो मोर सिक्योर होगा। तीसरे सेकंड में ये इनवैलिड कब हुआ है, मतलब ये MD5 में कन्वर्ट हो गया, ये क्या नहीं नहीं तीसरे सेकंड में आपने डिफाइन भी नहीं किया है ना, या तो आप ये कहो आपने टाइमर डाल दी ना, इतने से इतने बचकर इतने मिनट इतने सेकंड तक ये पासवर्ड है, तो आपका जो टाइमर चला वैलिड वो 1 मिनट के लिए चला, क्योंकि आपने रेंज डाल दी, अगर टाइम की रेंज ना डिफाइन की होती तो वो पासवर्ड परमानेंटली आपके लिए हो गया था। दूसरा आपने डाला 10:01 से लेकर 10:02 तक, अब टाइमर जो अगर हम देखें अभी यहाँ पे शो क्लॉक क्या हो गया, ये 3 मिनट हो गए ना, तो आपने तो 2 मिनट तक तो डाल कर रखा, अगर आप चाहते हो परमानेंट आगे चल कनेक्टिविटी चलती रहे तो क्या करें कि हम जो की सेट की उनके टाइमर या तो बढ़ाएं या उसको लिख दें कि अभी इनफिनाइट टाइम के लिए ही,